हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खबर है। वो खबर है कि यूनिवर्सिटी ने, एमजेपीयू ने, बुलंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को एक मैसेज भेजा है। चूंकि 6,09,000 अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भरा था और 5,07,000 अभ्यर्थियों के द्वारा ये एग्जाम दिया है। चूंकि रिजल्ट डिक्लेयर होने की लास्ट डेट आ रही है, तो उससे पहले यूनिवर्सिटी के सामने एक परेशानी आई है। वो सिर्फ परेशानी है उन अभ्यर्थियों एग्जाम फॉर्म में गड़बड़ी को लेकर, जिसने अपने प्रमाण पत्रों को सही तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिसर साइट पर सबमिट नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल बनता है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने मैसेज क्यों भेजा है, आखिर क्या पर्पज था और किस लिए भेजा है, किसे भेजा है ये मैसेज, और जिसे ये मैसेज भेजा है क्या उसका रिजल्ट रुक सकता है या सभी अभ्यर्थियों को ये मैसेज भेजा गया है। अब क्या करें, चूंकि जिसके पास मैसेज आया है उसके क्या करना चाहिए, और कम समय है, केवल 14 और 15 मई का समय यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है अपने एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करने को, तो अब वो क्या करें, कब तक करें सुधार। तो समय भी बता दिया गया है, 14 और 15 मई तक केवल आप सुधार कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बहुत जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने के मूड में है। किन प्रमाण पत्रों में ज़्यादा गलती मिली है तो ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आप हम बताना चाहते हैं, अगर आप बीएड संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, यानी कि मैसेज कैसे प्राप्त हुआ है, क्या क्या गड़बड़ी में है आपके इसमें एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म में, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट somacademy.org पर जा सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। तो क्यों भेजा यूनिवर्सिटी ने, तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, यूनिवर्सिटी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले कुछ अभ्यर्थी का, लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों के एंट्रेंस फॉर्म में गड़बड़ी मिली। तो गड़बड़ी को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने एक मैसेज डाला उन अभ्यर्थियों को, इन डेढ़ लाख अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी ने एक मैसेज डाला और उन्हें सूचित किया कि आपके एंट्रेंस फॉर्म में गड़बड़ी है, आप अपने एंट्रेंस फॉर्म में जो गड़बड़ी है उसे सुधारिए। ये गड़बड़ी किस चीज़ को लेकर थी, ये आपके प्रमाण पत्रों को लेकर थी। ये प्रमाण पत्र क्या क्या थे इन्हें जरा समझ लीजिएगा। तो ये आपके जाति प्रमाण पत्र था, आपका मूल निवास था, आपका आय प्रमाण पत्र था, तथा सबसे महत्वपूर्ण था अंक भार वाला प्रमाण पत्र। सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो देखने को मिली है वो अंक भार वाले प्रमाण पत्र में देखने को मिली है। यूनिवर्सिटी आपको तब अंक भार देगी तब आपका अंक भार प्रमाण पत्र यानी वैटेड सर्टिफिकेट बिल्कुल सही फॉर्मेट में होगा, अच्छी तरीके से मान्यता प्राप्त होगा। अब ये अंक भार प्रमाण पत्र कौन कौन से थे, ये आपका NSS हो सकता है, आपका NCC हो सकता है, आपका स्काउट गाइड हो सकता है, या आपका NCC हो सकता है। स्पोर्ट कोटा वालों को भी यहाँ पर वैटेज दिया जाता है, तो ये वो प्रमाण पत्र भी हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी ने आपके एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म में गड़बड़ी को दूर करने के लिए ये फॉर्म भेजा है, मैसेज भेजा है कि आप अपने साइबर कैफे पे जाइएगा, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की है, और वहां से आप इस पर करेक्शन कर लीजिएगा। दोस्तों, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है, आप उसको भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं, आप वहां से भी जाकर अपने एग्जाम फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो somacademy.org पर जाएंगे, आपको ज्यादा नहीं घूमना है, केवल आपको somacademy पर जाना है, आपको MJPUP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर भी अपने एग्जाम फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, तथा वहां पर आपको बीएड संबंधित हर जानकारी मिलेगी। तो जो किसे मैसेज भेजा है, लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों को यह मैसेज भेजा है जिनके एग्जाम फॉर्म में गड़बड़ी थी। तो चूंकि हम आपको बता दें 14 और 15 मई का केवल आपके पास समय है, तो आप बहुत जल्दी कीजिएगा, आप लग जाइएगा, अपने जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाए थे उन्हें दोबारा कलेक्ट कीजिएगा, इकट्ठा कीजिएगा, तथा कोशिश करें याद करने की आपने एंट्रेंस फॉर्म में क्या गड़बड़ी की थी। क्योंकि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो है आपका फॉर्म, दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और पूरा फॉर्म खुलने के बाद अपने मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्यों क्यों फॉर्मेट में, किस किस फॉर्मेट में क्या क्या सर्टिफिकेट लगाए हैं, ताकि वहां से आपको मालूम पड़ जाए कि आपके किस सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है। और दोस्तों, ये फॉर्म हर किसी अभ्यर्थी का भी नहीं खुल रहा है, शायद अभी वेबसाइट ओपन ना हो इसलिए, या केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का खुले जिन्हें
मैसेज भेजा गया है, केवल 1.5 लाख अभ्यर्थियों के लिए शायद अभी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म को दोबारा ओपन किया जाए। वो अपनी अपना साइबर के पेपर जाएं, उस सर्टिफिकेट को अच्छी तरीके से कलेक्ट करने के बाद सुधार कर ले। क्या उनका रिजल्ट रुकेगा, यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनका मैसेज भेजा गया है उनके एंट्रेंस फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो क्या उनका रिजल्ट रुक सकता है? तो दोस्तों उनका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब देखेगा, अगर आपने अंक भार में कोई गड़बड़ी की है तो आपका जो वेटेज मिलना था 10 या 15 नंबर का वो नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा आपके साथ। अगर आपने अच्छी तरीके से अपना अंक भार प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो ये आपको अंक भार वेटेज नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा मगर नंबर कम हो जाएगा। अगर आपने जाति या मूल प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो इन अभ्यर्थियों का शायद रिजल्ट रुक जाए। आप बिल्कुल रिस्क ना लें, हम आपको कहते हैं आप रिस्क ना लें, अपने करेक्शन कराएं एंट्रेंस फॉर्म में, अच्छी तरीके से करेक्शन कराने के बाद जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा और अपना रिजल्ट देखें। तो ये अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करा लेते हैं तो किसी का कोई रिजल्ट रुकने संभावना नहीं है। अब करना क्या है, करना आप जानते हैं, आपको केवल यूनिवर्सिटी की ऑफसाइट वेबसाइट पर जाना है, किसी कैफे में जाना है, अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर है, आपको मैसेज मिला है तो अपने एग्जाम फॉर्म में सुधार करें, यह आपके लिए जरूरी है। कब तक करें सुधार, तो 14 और 15 मई का मात्र समय दिया गया है एग्जाम फॉर्म में करेक्शन करने का। इसका मतलब आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी के पास रिजल्ट तैयार है, समस्या केवल उसे तब आई जब उसे रिजल्ट डिक्लेयर करना था, क्योंकि 15 तारीख दी गई है। तो रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले जैसे ही वो अपलोड कर रहे होंगे तो उनके सामने परेशानी होगी कि किसको वेटेज दिया जाए किसको नहीं, क्योंकि उस फॉर्मेट में अच्छी तरीके से आपके प्रमाण पत्र वहां अपलोड नहीं थे। तो उन्हें रिजल्ट करने से पहले आपको आखिरी मौका दिया है कि आप अपने एग्जाम फॉर्म में करेक्शन कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट भी आना है, काउंसलिंग भी स्टार्ट होनी है और कॉलेज में एडमिशन भी होना है। तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप उससे पहले तमाम जो आपकी परेशानी है एग्जाम को लेकर उसे दूर कर लें। और प्रमाण पत्र हमने आपको बता दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है और आय प्रमाण पत्र है, इन फार्मों में सबसे ज्यादा समस्या आई है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिन्हें मैसेज प्राप्त हुआ है वो करेक्शन कराएं, और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर कोई अभ्यर्थी ना बच जाए इस चीज़ को लेकर जिसे मैसेज प्राप्त हुआ और वो करेक्शन ना करें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर जागरूक हो जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।